हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हमेशा की तरह आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स के क्विज, डेली के क्विज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखेंगे क्या क्या ट्रेंडिंग में न्यूज चल रही हैं और उनके क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बता रहा है, पहला क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पे, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने थे। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, 600 विकेट, 500 विकेट, 400 विकेट और 350 विकेट। तो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये हमारा इसी हफ्ते का एक टॉपिक निकल कर आया है। आपको इसका आंसर बताना है कि सबसे तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लिए और पहला रैंक इन्होंने पाया। चलिए, ऑप्शन आपके पास ये है, कमेंट आंसर बताइए मुझे। चलिए देखते हैं आंसर क्या है, 600 विकेट। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा, हमको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, इनके बारे में बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने। इनसे आगे सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, जिनके कितने हैं, 800 विकेट हैं, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन 708 और भारत के अनिल कुंबले 609 ही हैं। सिर्फ यही हैं जो इनके आसपास बने हुए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ जेम्स एंडरसन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला था। यहाँ पे हमको ये चीज़ें मिल गई कि इन्होंने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट किसके साथ खेला था, जिम्बाब्वे के साथ। चलिए, वे साल 2018 में सबसे अधिक टेस्ट क्रिकेट विकेट लेने वाले कोई पहले गेंदबाज बने थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का 563 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा था। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। ऑप्शन रहे आपके पास, 57 शिक्षक, सेकेंड है हमारा बी है 46 शिक्षक, एंड सी है 27 शिक्षक और डी है हमारा 40 शिक्षक। चलिए आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी 47 शिक्षक। कितने, बी 47 शिक्षक, बी 47 शिक्षक। इसके बारे में कुछ डिटेल्स और देख लेते हैं। देश भर के लगभग 47 शिक्षकों को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जूरी का गठन किया था। तो यहाँ पे हमको एक और चीज़ क्या मिल गई यहाँ पे, कि राष्ट्रीय शिक्षा साक्षरता विभाग ने, मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके राष्ट्रीय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 2020 के लिए पुरस्कार के लिए एक जूरी का गठन किया था, जो कि स्वतंत्र होगी, किसी प्रकार से इसका किसी कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब किसी के अंडर में काम नहीं करेंगी। फिर क्या बता रहे हैं, बिहार के दो शिक्षकों को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये भी चीज़ मिल गई हमको कि बिहार के दो शिक्षकों को मिल रहे हैं 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार। फिर क्या बता रहा है, उल्लेखनीय है कि अवार्ड की स्वतंत्र राष्ट्रीय चयन समिति ने राज्यों से शिक्षकों का चयन साक्षात्कार आदि के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। तो यहाँ पर जूरी का जो चयन था वो कैसे हुआ था, बाय द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी सरकार ने कोरोना के देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव राजनीतिक आंदोलन और किसी भी प्रकार के अन्य सभी प्रकार की सभाओं का पूरी तरह से बैन लगा दिया था। ऑप्शन है हमारे पास, 31 अगस्त, 20 अक्टूबर, 30 सितंबर या 25 नवंबर। चलिए ऑप्शन आपके पास दिए हैं, कमेंट में आंसर दीजिए मुझे क्या होगा। यूपी सरकार ने
धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन एवं अन्य किसी भी प्रकार की सभाओं को पूरी तरह से बैन कर दिया था। ऑप्शन नहीं आपके पास ये, चलिए आंसर आ जाइए। चलिए आंसर क्या है हमारा, आंसर है हमारा 30 सितंबर, सी ऑप्शन 30 सितंबर। क्या बता रहा है थोड़ा सा इसका डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी 30 सितंबर तक कोई भी सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन एवं सभाएं आयोजित करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक रूप से मूर्तियां, ताजिया एवं अलम भी स्थापित नहीं किए जाएंगे। ये मेनली इस चीज को देखते हुए मतलब ये आदेश निकाला गया था, क्योंकि अब क्या आने वाले हैं, त्योहार आने वाले हैं, गणेश उत्सव आएगा, आ चुका है, और देवी उत्सव आएगा हमारा, नवरात्रि आएंगी, तो मूर्तियां रखना, किसी प्रकार की मूर्तियों को रखना और सारी चीजें, ताजिया रखना, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या कर दी हैं, बैन कर दी गई हैं। इसमें कहा गया कि सभी प्रकार के जुलूस एवं झांकी पर प्रतिबंध रहेगा। यह रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि ऐसी आशंका है कि असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। इन मध्य यूपी सरकार ने यह यहाँ पे फैक्ट बताए कि यहाँ पे कुछ घटनाएं हो सकती हैं, असामाजिक तत्व जो है कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए एहतियातन तौर पर हमने क्या किया है, 30 सितंबर तक किसी प्रकार के उत्सव, आंदोलन, सभी प्रकार की सभाओं को हमने बैन करके रखा है। चलिए फिर क्या बता रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-2021 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ऑप्शन हमारे पास है 2.5%, बी 3.5%, सी 6.5% और डी हो गया हमारा 4.5%। चलिए आंसर दीजिए कमेंट मुझे। चलिए आंसर है हमारा डी 4.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से 4.5% नीचे रहने, 0 से 4.5 मतलब माइनस की बात हो रही है यहाँ पे, नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर 0 से 6% से लेकर 7.6% नीचे रहने की संभावना भी जताई है। बैंक ने कहा कि जनवरी से मार्च 2020-21 तिमाही में वृद्धि दर सकारात्मक रहने की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया क्या, जनवरी मार्च से लेके तिमाही जो वृद्धि होनी है वो सकारात्मक रहने की यहाँ पे उन्होंने बात भी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रहा है, किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा था। यहाँ पे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बन रहा है और ये ट्रेंड भी हुआ था कि किस कंट्री ने एक वैक्सीन बनाया है जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, स्पुतनिक फाइव रखा है। इन्होंने क्या किया, इसके ट्रायल के लिए और साथ ही साथ में प्रोडक्शन के लिए भारत से सहयोग मांगा। तो भाई यहाँ पे हमको एक चीज देख के समझ में आ रही है, ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखे हैं, नेपाल, चीन, रूस और जापान। तो आपको ये देख के समझ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पुतनिक 5 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा, रूस होना चाहिए। रूस क्यों होना चाहिए, रूस इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसका नाम में ही रूस नाम छुपा हुआ है, स्पूतनिक। तो स्पूतनिक क्या है, स्पूतनिक रशिया अपने लगभग सब चीज़ों के नाम स्पूतनिक से ही रखता है, इनके जो स्पेस मिशन थे इनके भी नाम भी स्पूतनिक 1, 2, 3, 4 इस टाइप से थे। तो ये हमारा क्या होगा, एक ट्रिक होगा यहाँ पे हमको पता रख याद रखने के लिए कि स्पूतनिक क्या है, वर्ड है, रशिया का वर्ड है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स और देख लेते हैं, क्या बता रहा है ये, रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा। कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने 22 अगस्त को हुई अपनी बैठक में इस मुद्दे पर ये चर्चा की थी। गामालेया रिसर्च सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजीज एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 तैयार की है। तो यहाँ पे जो हमारा जो जो कोविड-19 का जो वैक्सीन बना है, रशिया ने जो बनाया है, किस किस ने बनाया है,
यहाँ पे दे दिया, क्या लिखा है, गामलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एपिडेमोलॉजी एंड बाय माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर बनाया था, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर ने स्पूतनिक 5 को तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है। भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है आपके पास 200 मिलियन डॉलर, बी है 500 मिलियन डॉलर, सी 300 मिलियन डॉलर एंड डी है 400 मिलियन डॉलर। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर क्या होने वाला देख लेते हैं। इसका आंसर होगा डी 500 मिलियन डॉलर। अब देख लेते हैं क्या बता रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। इस परियोजना से मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता में वृद्धि होने के साथ ही साथ यात्रियों की यात्रा समय और जानलेवा दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद रहेगी, इन्होंने ये बोला है। अनुमान के अनुसार इस परियोजना के प्रथम प्रारंभिक या प्राथमिक लाभार्थियों में 22% महिलाएं यात्री शामिल हैं, जो बेहतर सुरक्षा एवं सेवा की गुणवत्ता से लाभान्वित होंगी। यह परियोजना सड़क आधारित परिवहन की तुलना में तेज, अधिक एवं विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करके मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली के यात्रियों को बेहतर गतिशीलता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करेगी। तो यहाँ पे ओवरऑल कहने का मतलब क्या हो गया, इतना पैसा लगाने के बाद, 500 मिलियन डॉलर लगाने के बाद यात्रियों की सुरक्षा, उनके जो हमारे जो यात्रा कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता, उच्च क्वालिटी की या परिवहन सेवाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए और बढ़ाने के लिए ये 500 करोड़ रुपए मिलियन डॉलर रुपए लगाए गए हैं, इनका एस्टिमेट हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुक्त बाजार परिचालन OMO के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूति के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। ऑप्शन है हमारा 20,000 करोड़ रुपए, बी है 10,000 करोड़ रुपए, सी है 30,000 करोड़ रुपए एंड डी है 40,000 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए क्या होगा। चलिए इसका आंसर है 20,000 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुक्त बाजार परिचालन, जिसको OMO बोलते हैं, के जरिए कुल 20,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। इस OMO का परिचालन दो चरण में किया जाएगा। RBI ने कहा कि नीलामी दो चरणों में 27 अगस्त और 3 अगस्त को आयोजित की जाएगी। RBI 27 अगस्त को आयोजित की जाने वाली OMO के अंतर्गत साल 2024 से साल 2032 के बीच परिपक्व होने वाली लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूति को भी खरीदेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें और क्या मिल गई यहाँ पे कि OMO जो साइन तो किया ही है 2,000 करोड़ रुपए के लिए, 20,000 करोड़ रुपए के लिए। इसके अलावा क्या बोला RBI कि नीलामी जो होगी वो दो चरणों में होगी, 27 अगस्त और 3 सितंबर को होगी। और क्या बता रहा है इसके साथ में कि 2024 से लेकर साल 2032 के बीच में परिपक्व होने वाली, मतलब एग्जीक्यूट होने वाली जितनी भी लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां रहेगी उनको वो खरीदेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां होती हैं जो अधिनियम ASSPA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अब सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम ASPA बोलते हैं जिसको, इसको हम ASPA भी बोलते हैं, ASPA बोलते हैं सॉरी। ये क्या होता है, ये होता है कि जब कभी भी कोई समस्या आती है या राष्ट्रीय आपदा आती है, राष्ट्रीय परेशानी आती है, तब क्या होता है सैनिक शासन जो होता है, जो पर्टिकुलर जगह के लिए रहता है, वहाँ पर सैनिक जो हैं या जो सेना जो है उसको पावर्स बढ़ा दिए जाते हैं और वह वहाँ पर देखते हैं जो वहाँ के जो लोग हैं किसी प्रकार का आंदोलन नहीं कर सकते, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आंदोलन नहीं कर सकते, या उनको ड्यूटी के लिए बोला जाता है कि भाई आपको इतना ड्यूटी करना है, ये नियम में चेंजेस हुआ है, तो वो मना नहीं कर सकते।
कहने का मतलब ये हो गया कुल मिला के राष्ट्रीय आपदा के समय, क्योंकि अभी तो राष्ट्रीय आपदा चल ही रही है हमारी कोरोना की वजह से, तो राष्ट्रीय आपदा को देखते हुए सरकार कुछ नियम में संशोधन करती है, कुछ टाइट करती है सरकार इस कर्मचारियों को और उनसे काम लेने के लिए। तो इसको कितने महीने के लिए बढ़ा दिया था असम में, तो ऑप्शन क्या है हमारा, 6 महीने के लिए, बी है 8 महीने के लिए, सी है 10 महीने के लिए और डी है 11 महीने के लिए। चलिए आंसर है हमारा ए, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया यहाँ पे। असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम एसफा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी, इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्यवाही करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। वही जो मैंने आपको अभी सारी चीजें बताई, यहाँ पे सेना को यहाँ पे एक विशेष अधिकार दिया जाता है जिससे कि वो अपने सारे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर सके, किसी प्रकार का कोई उनको रोक टोक नहीं रहेगा। यह कानून असम में नवंबर 2090 से जारी हुआ है, इसे हर 6 महीने में नवीनीकृत किया जाता है। क्लियर हो गई बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने वाला प्रथम पहला राज्य निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज मिल गई हमको, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में जो शिक्षा नीति है हमारी वो चेंज हुई है। शिक्षा नीति कौन सी कहलाई है हमारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें हमने संशोधन किया है, कुछ कुछ चेंजेस किए, नई नीति बनाई है। इसको सबसे पहले किस राज्य सरकार ने इसको लागू किया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास ये थे, आंसर है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक ने नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला देश का पहला राज्य बना। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सी एस अश्वथन नारायण ने यह घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। ये 2019 नीति है पर जो अप्लाई हुई है वो कब हुई है, 2020 में हुई है। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगी। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों के साथ लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन, इसको कानून के दायरे को व्यापक भी बनाया गया है। मतलब यहाँ पे जो शिक्षा का अधिकार है उसका दायरा बढ़ाया गया है। अब 3 साल से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत लाया जाएगा। यहाँ पे अब क्या संशोधन मेन क्या हुआ यहाँ पे, ये मतलब हमको ये तो पता है कि पूरा सिस्टम चेंज हुआ था 3-5 इस तरीके से, ये मैं डिटेल में आपको सारी चीज बता दूंगा। यहाँ पे एक और चीज क्या मिल गई है कि सुरक्षा जो हमारा शिक्षा का अधिकार है इसके दायरे बढ़ाए गए हैं। और क्या किया गया, 3 साल से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कंपलसरी यहाँ पे कर दिया गया है। मतलब 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, उनको हमको शिक्षा देनी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस आईआईटी संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। ऑप्शन है हमारे पास आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी रुड़की। चलिए आंसर दीजिए मुझे कमेंट में इसका। चलिए आंसर है हमारा यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की। अब पर्यावरण के अनुकूल से मतलब यहाँ पे इको फ्रेंडली बैटरी बनाई थी, जो कि कहने का मतलब ये हो गया कि इससे पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, यह पर्यावरण के अनुकूल है, इसके मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पॉल्यूशन नहीं होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। अनुसंधानकर्ताओं के दल के अनुसार एलआईएस बैटरी की प्रौद्योगिकी हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे टोटल शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश में बता दे रहा हूँ कि ये जो बैटरी बनी है ये इसकी जो टेक्नोलॉजी है हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि इस प्रौद्योगिकी में अरबों डॉलर के उद्योगों की सहायता की क्षमता है, जिनमें तकनीकी गैजेट, ड्रोन, विद्युत चलित वाहन और अन्य उत्पादों के कारोबार हैं जो ऐसी बैटरियों पर आधारित है। तो ये थे हमारे क्या आज के करंट अफेयर्स।
डेली के करंट अफेयर्स में आपको लेके आते रहूंगा, और डेली हम जो हमारी जो ट्रेंडिंग न्यूज बन रही है, जो हमारे एग्जाम के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, उन सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर पसंद आया तो एक लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए। थैंक यू।